गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाय हाउ आर यू, दिस इज फ्रॉम व्हाट्स नेक्स्ट चैनल। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइबिंग मी एज वेल। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं आपके लिए आई एम गोना प्रिपेयर खीर रेसिपी फॉर यू, जिसको साउथ इंडिया में पायसम बोलते हैं, राइस पायसम, और नॉर्थ इंडिया में खीर बोलते हैं। इट्स अ वेरी फेमस डिश एंड इट्स अ वेरी ऑथेंटिक डिश। सो जस्ट लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी नीड इट। सो वी वुड नीड, आई हैव यूज्ड टू फुल क्रीम मिल्क, अ बाउल ऑफ राइस व्हिच इज ब्रोकन, बेसिकली ये बासमती राइस है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, एंड आई हैव नॉट फाइनली ग्राइंडेड इट बट I have made it into broken pieces, so you can see it. As a broken rice market may be easily available, so it's depend upon you. I have taken some sugar, definitely it is required. My favorite mithai mate, I prefer using Amul's mithai mate, kyunki iska quality dusron se zyada acha hota hai. Then some couple of almonds, कार्डमम्स, इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इसको निकाल के इसके दाने को भी डाल सकते हैं, और इवन यू कैन ग्राइंड इट ऑल्सो, एंड सम कैश्यूज। देन आई हैव टेकन, दिस इज द पालगोवा, पालगोवा इज इन लाइक यू नो दिस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ कंडेंस मिल्क। मेरे को ज़्यादा रिच बनाना है खीर को, ज़्यादा टेस्टी बनाना है, एंड इट हैज़ टू बी थिक, सो आई एम यूजिंग दिस। ओके, so let's start preparation of our first thing is we gonna make rice. so कैसे बनाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। so friends, मैंने चावल को धो लिया है क्योंकि इसको धोना पड़ता है, कभी कभी गंदा रहता है इसमें। so first हम वो चावल बनाएंगे, इसके लिए आपको चाहिए यूनिक घी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ घी बट वाइल मेकिंग दिस यू नीड घी। The aroma of ghee is something different. It cannot be matched with, you know, the oil, of course. Just a little bit set. Yeah, it's coming out now. Fine. Okay. बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप इज यू गोना पुट सम शुगर। एंड वी हैव टू कैरेमलाइज इट। सो आप लोग सोच रहे होंगे लाइक Why we need to caramelize the sugar first? क्यों sugar को पहले caramelize करना है? The basic reason is, you know, चीनी हम लोग को बहुत अच्छा रंग देता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ is like मैं इसको fully caramelize करने के बाद इसमें चावल डाल दूँगा। सो आप देख सकेंगे कुछ देर ही बाद like it will be like little bit like golden color। तो चावल को डाल के जब मैं बॉईल कर दूँगा वो चावल भी गोल्डन कलर का हो जाएगा, और इट विल गिव यू नो बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस। यू कैन सी स्मोक इज कमिंग एंड आल्सो द कलर इज चेंज्ड नाउ। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। Let it be caramelized a little bit more, then we'll put the rice in it and we'll boil it. So now I have mixed the rice ko mila diya hai maine chawal ko, aur isko thoda sa hum log mix kar denge wo caramel chili ke sath. dekhiye kitna sundar rang aa gaya hai abhi,
पूरा ऑरेंज हो गया है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे, इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, अमीनटू से, क्योंकि चीनी बहुत चिपको होता है और चावल चिपक जाता है कभी कभी। तो ऐसा मिलाने के बाद वी विल पुट इट इन अ प्रेशर ऑफ 4 whistle। ओके फ्रेंड्स, आई एम बैक, राइस इज रेडी। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग को इसको थोड़ा फ्राई करना है नट्स को। तो मैं लूँगा, मैंने देख लीजिए, मैंने आलमंड्स को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। सो यू कैन कट इट अकॉर्डिंग टू योर साइजेस। यू हैव ड्रॉप इट ओवर हियर। ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही हम लोग को फ्राई करना है। सो लेट्स डू दिस। So you can see I'm not using much ghee or oil because I'm not a big fan of ghee and oil. So jitna kam use karna hai kar sakte hain, jyada use karna hai kar sakte hain, all upon your dependency. So let's quickly fry it till it turns golden color. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, स्मेलिंग लाइक गुड। सो यू कैन सी इट्स रेडी। सो हाउ वंडरफुल इट्स लुकिंग। सो लेट्स प्लेट इट टू अनदर प्लेट। सो द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स बॉइल द मिल्क। अभी मिल्क को बॉइल करेंगे। लेट्स कीप इट फॉर सम टाइम। सो चावल भी देख लीजिए, चावल भी देख लीजिए, और यू कैन सी द नट्स एंड द मिल्क इज बॉइलिंग, स्टार्टिंग बॉइलिंग। दूध जल जाता है तो बीच बीच में इसको ऐसे करके घुमाते रहिएगा, अदरवाइज इट विल गेट बर्न। सो यू कैन सी इट्स बॉइलिंग, द मिल्क इज बॉइलिंग, बट हम लोगों को बीच बीच में ऐसे ऐसे करके इसको स्टेट करना है, अदरवाइज मिल्क नीचे में लग जाएगा एंड इट विल गेट बर्न। सो बीच बीच में ज़रूर इसको ऐसे चलाइए मिल्क, और 5-10 मिनट बाद जब फुल बॉयल हो जाएगा हम चावल डाल देंगे, उसके बाद पोहा डाल देंगे, उसको आधे घंटे तक पकाएंगे और बीच बीच में ऐसे ही पिलाते रहेंगे। सो मिल्क बॉयल हो गया है, हम इसमें अभी चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैश कीजिए और इसको अलग अलग करने का कोशिश कीजिए। मैं इसमें पूरा खोआ भी डाल रहा हूँ।
अब इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कार्डमम भी डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली इट्स बॉइलिंग, बट इसके ऊपर में क्रीम लग जाता है तो कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करेंटली। इट्स एमिटिंग फ्रैगनेंस विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। सो लेट्स कीप इट फॉर बॉइलिंग फॉर मोर देन 20 मिनट्स अगेन। सी हाउ ब्यूटिफुली क्रीम हैज बीन जनरेटेड ओवर द खीर। यू कैन सी चावल अभी भी अलग अलग है, तो हम लोग उसको तब तक पकाएंगे जब तक चावल खीर में पूरा मिल नहीं जाता है। सो टिल देन वी हैव टू कुक इट। मीनवाइल थोड़ी सी मिठाई में ऐड करेंगे हम इसमें। रिमेंबर हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पालकोवा डाला हुआ है। सो हम लोग लिमिट में रह के इसको डालेंगे। स्टिर इट थोरोली। थोड़ी सी चीनी डालेंगे अब। रिमेंबर ज़्यादा चीनी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पालकोवा और कंडेंस मिल्क यूज़ किया हुआ है मिठाई में, तो ऑलरेडी मिठाई ज़्यादा है। सो लेट्स कीप इट लेस, बट यू कैन टेस्ट इट एंड ऐड अकॉर्डिंगली। बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐसे ही घुमाते रहना है। सो फ्रेंड्स, खीर लगभग तैयार हो गई। सी द मॉइस्चर, जस्ट चावल और थोड़ा मिक्स होना है, नहीं तो गाढ़ापन भी आ गया है खीर में। इसी अब हम इसमें डालेंगे अपने नट्स। बहुत सारे नट्स हैं, इसको डाल के अब मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर तक और पकाएंगे जब तक चावल पक नहीं जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है खीर। सो फ्रेंड्स, खीर बनके तैयार हो गया है। सो दिस इज इट। हम इसे पूरा ठंडा होने तक रखेंगे। ठंडे होने के बाद ही इसका एक्चुअल टेक्सचर सामने आएगा। सो लेट्स कीप इट कोल्ड एंड सर्व इट। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इफ यू लाइक टू सर्व इट हॉट यू कैन सर्व इट हॉट। आई डू प्रिफर इट इन अ कोल्ड मैनर। सो लेट मी कोल्ड इट फॉर सम टाइम। एंड थैंक यू ऑल। इफ यू डू एंजॉय माई वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब and keep me encouraging. Basically, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, I'm just a commoner, I'm just a bachelor, I don't have kitchen skills, but this is what I have learned from my mother and I love to apply it on my work. So for any bachelors watching this video, it's very simple making kheer. Try it and serve it. Thank you.